जाओ, काफी देर हो चुकी है। आज मैं आराम करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें बुखार है? बताओ। बुखार तो नहीं है? क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, मेरा उठने का दिल नहीं कर रहा, मुझे आराम करना है। ये सब स्कूल ना जाने के बहाने हैं। मैं उसे छुट्टी नहीं करने दूंगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि स्कूल जाने का मन नहीं करता। लगता है मुझे डैड से शिकायत करनी ही पड़ेगी। हाँ, कितने हैं? ये तो गलत बात है। तुमने खाना नहीं खाया है, खाना तो खाकर जाओ। मेरे हिस्से का खाना तुम खा लो। अरे वाह, मजा आ गया। आज आसमान इतना नीला क्यों लग रहा है? वो मेरे दिल की हालत नहीं जानता। अपना ख्याल रखना। ये आज कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? ठीक है, मैं जाकर मियोको को बताता हूँ।散歩代わりに学校まで送っていくよ。わあ、嬉しい。こうやって歩いてると恋人同士に見えるかしら。どうかな。キテレツの元気がない芸人がわかったナリ。送ってくれてありがた。行ってきます。授業中居眠りなんかしないようにね。誰かさんと違います。 何も格好まで来て見せつけなくてもいいのに。キテレツくん、おはよう。みゆちゃん、何？あのさ、やめとく、聞かない方がいいんだ。変なの、キテレツくんったら。ये कौन है जिसे क्लास के बीच में नींद आ रही है? मैं सही कह रहा हूँ सर, मैंने उबासी नहीं ली है। हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ ही जाता है। ये बताओ, इसमें हंसने की क्या बात है? चलो ठीक है, इसे पढ़कर बताओ। मैं जानता तो हूँ, लेकिन थोड़ा हिंट तो दीजिए ना सर। ये कोई क्विज नहीं है। टोंगारी, बताना जल्दी से। बूटा गोरिरा, मुझे लगता है कि ये पांडा की कोई प्रजाति है। ये पांडा की एक प्रजाति है सर। नहीं, ये पांडा नहीं है, ये एक फ्लावर है। कोई जानता है कौन सा फ्लावर है? जी सर, ये हाकोडाकी है। तुम जानती हो ये फ्लावर कहाँ पर मिलता है? जी सर, ये हाकोडाकी पहाड़ी के ऊपर मिलता है, वहाँ से पैसिफिक ओशन और जापान से मिलते हुए दिखते हैं। ये सही नहीं है सर, पैसिफिक ओशन और जापान एक दूसरे से अलग ही कहाँ होते हैं, बताइए। जब मैंने तुमसे पूछा था तब तो नहीं बताया बूटा गोरिरा। वो तो मैं सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया मियोको। क्योंकि मेरा बड़ा भाई हाकोडाके यूनिवर्सिटी में है। ओ, बड़ा भाई। अच्छा, साके खबर मोत कुरेता हितो गा मियो जानो। अरा, मिते ता नो? नांदा, सो यू कोतो दत्ता नो का। तत्तेमो यासाई सो ना ओनीसान दत्ता ने। किटेरेत्सु, नांदे क्यू नी गेंकी नी नत्तन दा यो? बेतु नी।
अब मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि तुम इतना दुखी क्यों हो। क्या जान गए हो? कोई बात नहीं, खुश होकर दिखाने की इतनी भी जरूरत नहीं है तुम्हें। खोरो सुखे, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम जितना चाहे रो सकते हो मुझसे मिलकर। मजाक बंद करो कोरोसुके। मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो एक समुराई पता नहीं लगा पाएगा? अच्छा, मियोको का बड़ा भाई आ गया? हाँ, मैंने उन दोनों को सुबह देखा था। अरे मैं तो नहीं जानता था कि मियोको का कोई बड़ा भाई भी है। हाँ, पर वो कभी कभी यहाँ पर आता है। क्या तुम जानते थे कितरेत्सु? हाँ हाँ, मैं जानता था। तो फिर तुम्हारा मूड क्यों खराब था, बताओ? वो तो कितरेत्सु, भूता गोरिल्ला फिर खाने के वक्त आ गया। ये तो काफी टेस्टी है। तुम लूपहोल टेप का क्या करोगे? दरअसल वीकेंड में मियोको अपने भाई के साथ हाकोडा के जाएगी, और इस बहाने हम वो लूप होल टेप मियोको को दे देंगे, और इस तरह से हमें हाकोडाके से इकोसोमेन खाने को मिल जाएगा। कैसा रहेगा बोलो? इकोसोमेन? कितरेत्सु, क्या तुम हाकोडाके की स्पेशल डिश के बारे में नहीं जानते? ये तो मियोको ने ही तुम्हें बताया था ना भूटा गोरिल्ला। चुप हो जाओ टोंगरी। हाँ कितरेत्सु, ये डिश काफी फेमस है, पता है? तो क्या तुम भी वहाँ जाना चाहते हो? हाँ क्यों नहीं। इसको ऐसे हिलाते रहना तो बहुत ही बोरिंग है। अगर मिक्सिंग का तरीका ठीक नहीं हुआ तो टेप ठीक से नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक है। ऐसी चीज यूज करने के बाद मियोको के भाई को काफी खुशी होगी, है ना कोरोसुके? फिर तो वो तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होगा। हाँ, लेकिन वो मुझे मिस्टर बेंजो की तरह सीधा साधा और सिंपल नहीं लगता। वो तो है। सच बताऊं कितरेत्सु, मेरे बड़े भाई को उन चीजों पर यकीन नहीं होता जो साइंटिफिक नहीं होती। अच्छा, ये बात है। हाकोडा के पहुँच कर मैं इसे जरूर यूज करूंगी, ठीक है ना कितरेत्सु? ठीक है मियोको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये कितरेत्सु है। अरे तुम तो काफी बड़े हो गए हो, पिछली बार मैंने तुम्हें देखा था तो तुम बहुत क्यूट थे और इतने छोटे थे। शुक्रिया। अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या चीज है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। जरा दिखाओ तो। अरे ये कैसी टेप है? इसे तो मैं गिफ्ट पैकिंग के लिए यूज कर सकता हूँ। जी ये स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए है। अच्छा ठीक है, ये लो। तो इसके अंदर से निकलकर हम हाकोडा के पहुँच जाएंगे ना कितरेत्सु? इकासोमेन। हाँ। क्या तुम अपने साथ ये भी लेकर आए हो? हाँ, क्योंकि मैं मम्मी और पापा के लिए भी लाना चाहता हूँ। पहली बार इसको अपने मॉम डैड का ख्याल आया है। कितरेत्सु, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। अब तक तो वो एयरपोर्ट पहुँच चुके होंगे। क्या तुम अपने साथ कोई मेटल की चीज लाई हो? इस तरफ आइए प्लीज। क्या उन्होंने एयरपोर्ट पर तुम्हारी टेप देख ली? समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हुआ? हाँ, लगता है वो ठीक से मिक्स नहीं हुआ था। क्या ये मेरी वजह से हुआ है? लगता है अब हम कहीं नहीं जा पाएंगे कोरोसुके। मतलब हाकोडा के जाने का प्लान कैंसिल। अब ये बताओ कि मैं इकासोमेन कैसे ला पाऊंगा कोरोसुके? क्या तुम उसकी जगह कुछ और नहीं ले जा सकते? मैं ये पापा को गिफ्ट करना चाहता था, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, कुछ करो कितरेत्सु। ठीक है, मुझे सोचने का मौका तो दो। जहाँ पैसिफिक ओशन और जापान सी आपस में मिलते हैं, हाकोडा के उसी जगह पर है ना? क्या बात है टोंगारी, तो हम पानी के रास्ते वहाँ जा सकते हैं ना? ठीक है, हम टॉर्टोइस बोट का इस्तेमाल करेंगे। बूटा गोरिल्ला, उम्मीद है अब हम हाकोडा के सही सलामत पहुंच जाएंगे। तुम जैसे डरपोक लोग ही ऐसी बातें करते हैं टोंगारी। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें डर ही नहीं लग रहा बूटा गोरिल्ला। अरे जल्दी जल्दी आओ ना। हम लोग पैसिफिक ओशन में हैं। हाँ।
कर रहे हो कि तेरे, तू जरा संभल कर चलाओ। सॉरी, लेकिन धीरे चलने से हम लोगों को पहुंचने में और 2-3 दिन लग जाएंगे। लेकिन हमारे पास तो इतना वक्त नहीं है। हम लोग मियोको से नहीं मिल पाएंगे। यहाँ तक पहुँचने के बाद ऐसी बातें मत करो कि तेरे तू। खैर, जहाँ तक हम जा सकते हैं वहीं तक चलते हैं। कितरेत्सु, जरा ध्यान से चलाओ। चलो हम लोग वापस चलते हैं, मुझे कस्तुमे नहीं चाहिए। हाँ मियोको, तुम कैसे हो? कितरेत्सु और उसके दोस्त कुछ वक्त पहले ही निकले हैं। क्यों, क्या बात है? कुछ खास बात तो नहीं है ना? कुछ नहीं, शुक्रिया। मैं फिर बाद में फोन करती हूँ। पता नहीं वो लोग हाकोडा के आने की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तुमने बात कर ली ना, चलो अब जल्दी से मेरे हॉस्टल में चलते हैं। खाने का वक्त हो गया है। वो रहा मेरा हॉस्टल। मुझे डर लग रहा है। कहाँ पहुँच गए? इतना मत डरो कुरुसुके। इकसोमेन, हम लोग मुसीबत में हैं। अब हम बोट को और यूज नहीं कर सकते। चलो पास में ही किसी जगह पर चलते हैं और देखते हैं। इतनी दूर आ चुके हैं तो हाकोडाके भी जरूर जाएंगे। तुम्हारा मतलब उस टेप से वो हाकोडाके आ सकते हैं? जी हाँ, अगर मैं इस टेप को यहाँ लगा देती हूँ तो कितरेत्सु और उसके दोस्त उसके जरिए यहाँ आ सकते हैं। मैं सच कह रही हूँ। अरे ऐसी बातें मत करो। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? हम लोग तो उसकी मदद से काफी सारी जगहों पर जा चुके हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? मुझे यकीन है, लेकिन अभी वो टेप हमारे पास नहीं है, इसलिए वो सब टेप से नहीं बल्कि ट्रेन से आएंगे। और वैसे भी टेप से आने से अच्छा तो ट्रेन से आना है। आपको यकीन नहीं है? तुम बचपन से ही ऐसी नामुमकिन चीजों के बारे में सपने देखती रहती हो। कितरेत्सु के पौंड का सफर इस तरह एक ट्रेन में खत्म होगा किसी ने नहीं सोचा था। पौंड नहीं, सी का सफर है। टोंगारी, दरअसल वो इकसोमेन की वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। तुम भी ना बूटा गोरीरा, वैसे हमने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। हाँ, क्योंकि शिप में भी काफी टाइम लग गया था, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम ट्रेन से जा रहे हैं तो जल्दी ही पहुँच जाएंगे। कुरुसुके, देखो ये टनल की सबसे गहरी जगह है। क्या हुआ कितरेत्सु? पता है, हम लोग सी लेवल से 240 मीटर नीचे हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कितरेत्सु। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना कुरुसुके? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें यहाँ कोई महल दिखाई देगा क्या? जेंटलमैन, आप लोग पहुँचने वाले हैं दुनिया के सबसे पहले अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर। पता नहीं स्टेशन को यहाँ क्यों बनाया गया है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई रहता होगा। ये स्टेशन रिसर्च करने वालों के लिए बना है। अच्छा, तो ये बात है। तुम तो कुरुसुके से भी ज्यादा बुद्धू हो। टोंगारी, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें ट्रेन से निकाल कर पानी में फेंक दूंगा। अरे अरे रुको, हमें बहुत जल्द इकसोमेन मिलने वाला है। ओ सच में? इकसोमेन की बात है तो मैं इसे माफ कर देता हूँ। मियोको को हमारी चिंता हो रही होगी ना? स्टेशन आ गया है। ट्रेन के आने का टाइम तो हो गया है। वो लोग ट्रेन से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वो लोग जरूर किसी और अच्छे तरीके से यहाँ पहुँचेंगे, मुझे यकीन है। हमें अभी पता लग जाएगा। मियोको। हाँ? ये तो, अरे मियोको, मियोको, तुम्हें कैसे पता चला कि हम ट्रेन से आने वाले हैं? वो दरअसल मैं बड़ा हूँ ना, इसलिए मुझे ये बात पता थी। सारी बातें क्या यहीं पर करोगे कितरेत्सु? चलो चलकर इकसोमेन खाते हैं। तुम सबको भूख लगी होगी, चलो कुछ खाते हैं। हाँ
वाह, इकासोमेन, मैं कब से इसका इंतजार कर रहा था। बूटा गुरेरा, ये स्क्विड तो काफी सॉफ्ट लगती है। ये इतनी ज्यादा सॉफ्ट इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश है। टेस्टी है ना? ये तो बहुत ही टेस्टी है। ये तो लाजवाब है। अरे मियोको, तुम क्यों नहीं खा रही? कि त्रेत्सु, इस बार तुम ट्रेन से क्यों आए? अरे मियोको, मैं कुछ समझा नहीं। कि त्रेत्सु, बड़े भैया को मेरी टेप वाली बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। हाँ, तुमने उन्हें बता दिया? बता दिया। जब तक मैं खुद नहीं देख लेता तब तक मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करूँगा। मैं आपको दिखाऊंगा, क्या ये ठीक रहेगा? हाँ हाँ, मैं अपने साथ टेप लेकर आया हूँ। तो ठीक है, चलो मेरे रूम में चलते हैं। मजा आ गया, मुझे और चाहिए प्लीज। तो ये हो गया पॉइंट नंबर वन। ये तो मैं देख सकता हूँ। वो कि त्रेत्सु को सीरियसली नहीं ले रहे। कुरुसुके, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अब अगर मैं ऐसी ही टेप किसी और जगह पर लगा दूं, तो हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। अगर ऐसी कोई चीज काम करती तो अब तक ट्रेन्स बंद हो चुकी होती, समझ गए? लेकिन ये तो हमारी खासियत है ना। इस टेप की मदद से आप किसी भी दूर की जगह से आकर उस टेबल पर रखी बुक्स को ले सकते हैं। तो ठीक है, चलो हाकुडाके माउंटेन तक चलते हैं। ये ट्रेन तो काफी मजेदार है। ये इस टाउन में सफर करने का इकलौता जरिया है। ये ट्रेन बहुत बढ़िया है। बूटा गुरेरा, उठ जाओ। यही है हाकुडाके माउंटेन। कितना सुंदर है। बहुत ही बढ़िया। हाँ, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। ये मैं अपनी मॉम को दिखाना चाहता हूँ। जरा अपनी बाई तरफ उस समुद्र को तो देखो, वो पैसिफिक ओशन है और बीच में अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, जिसमें दाई तरफ जापान सी है और यूरेशिया के लोग उसके दूसरी तरफ रहते हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें? ये नजारा बहुत सुंदर है ना? ये तो सचमुच बहुत सुंदर है। दो समुद्रों का मिलना देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। इट्स ओके, चलो अब जल्दी से हम अपना काम शुरू करते हैं। देखो, हमारा हॉस्टल उस तरफ है। अगर हम कार से वहाँ जाएं तो हमें 20 मिनट लगते हैं। मैं अभी पहुँच जाऊँगा। ऑल द बेस्ट कितरेत्सु। हाँ, अब ये हो गया। चलो चले कुरुसुके। हाँ, और मियोको के ब्रदर भी चौंक जाएंगे। अरे कुच्चुबा, तुम दोनों अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? कितरेत्सु, मियोको और उसके भैया हम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। अरे वहाँ रूम में बहुत अजीब सी चीज है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कोई डायनासोर हो। तुम तो बड़े डरपोक हो। ये कुछ ज्यादा ही बोलता है, इसका इलाज मेरे पास है। ये ले। यहाँ तक कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि कितरेत्सु को कोई वहम हुआ होगा। बुक यही होनी चाहिए। भागो, 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 भागो। तुम्हारा मतलब रूम में इगुआना है? हम सच कह रहे हैं। हम सच कह रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा था। उसने हम पर हमला किया, इसीलिए हम वहाँ से भाग आए। हाँ, वो सच में बहुत डरावना था। ये आखिर हो क्या रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ पर ऐसा कुछ है। चलो चलकर देखते हैं। सारे
प्यारे बच्चों, चलो जल्दी अंदर आ जाओ, यहाँ पर इगुआना जैसी कोई चीज नहीं है, मैंने तुम्हें कहा था ना। बहुत बढ़िया। अजीब बात है। तो वो क्या था जो हमने देखा था? चार लोगों को एक साथ वहम नहीं हो सकता, चलो चलकर देखते हैं। अजीब बात है। वो यहाँ इसी टेबल पर था, मैंने अच्छी तरह देखा था, लेकिन अब कहाँ गया? हाँ, रात के 9 बज चुके हैं, अगर हम घर पर नहीं गए तो मॉम को चिंता हो जाएगी। अरे बच्चों, क्या तुम कुछ दिन और नहीं रुकोगे? नहीं, हमें वापस जाना ही होगा। मैं तुम लोगों के घर पर फोन कर देता हूँ, तुम लोग आज रात यहीं रुक जाओ, ये ठीक रहेगा ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ, क्या हाकोडाकी में? हाँ हाँ, यहाँ पर सब ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कितरेत्सु, तुम? दरअसल मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ कितरेत्सु, जरूर पूछो। एक बात बताइए, वो इगुआना कहाँ है? क्या कहा? मैं जानता हूँ कि आपको उस इगुआना के बारे में पता है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हमने नहीं बताया था कि वहाँ पर क्या है, आपने खुद ही कहा कि वहाँ कोई इगुआना नहीं है। दरअसल मियोको उससे न डरे, इसलिए मैंने उसे अपने पड़ोसी के यहाँ छोड़ दिया था। तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो कितरेत्सु। समझ गया, इसीलिए आप वहाँ से जल्दी में चले आए थे, है ना? अरे तुम्हें तो सब कुछ पता है कितरेत्सु, लगता है आगे से मुझे तुमसे बचकर रहना होगा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। ओह थैंक यू। कितरेत्सु, अगर तुमने इगुआना को देखा है तो मुझे तुम्हारी टेप वाली बात पर किसी भी तरह यकीन करना ही होगा। हाँ बिल्कुल करना होगा। ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी, ठीक है ना? हाँ जैसा आप कहें। अरे वाह, मजा आ गया। इका सोमेन तो बहुत अच्छा है। बहुत टेस्टी है। フィアンセ紫。